झारखंड राज्य के जमशेदपुर का 27 वर्षीय युवक अपने सपने को साकार करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने साइकिल पर निकला हुआ है। यह युवक बीते एक वर्ष 6 महीने में अपनी 32,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा को पूरा करके इन दिनों हिमाचल प्रदेश की वादियों से गुजर रहा है, जिसमें आज शाहपुर में पहुंचा तथा आज रोटरी क्लब शाहपुर के सदस्यों के साथ शाहपुर में रुकेगा। युवक का सपना पूरे भारत भ्रमण का है। दरअसल जब आपके दिमाग में किसी सपने, हालांकि उसका अंजाम भी आपको मालूम नहीं होता, बस मंजिल ही नजर आती है। अपने ऐसे ही सपने को पूरा करने के लिए इन दिनों झारखंड के जमशेदपुर का 27 वर्षीय अधिराज भारत भ्रमण पर निकला हुआ है तथा बीएससी इंटीरियर डिजाइनिंग की है। साथ ही अक्टूबर 2021 को अधिराज ने अपने घर से इस यात्रा की शुरुआत की थी। अभी तक 29 राज्यों से होकर गुजरने वाला अधिराज 32,000 किमी से अधिक का सफर तय करते हुए हिमाचल प्रदेश पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश अधिराज की यात्रा का 29वां राज्य है। वहीं आज रोटरी क्लब शाहपुर के सदस्यों के साथ मिले व राष्ट्रीय एकीकरण, विश्व शांति, पर्यावरण के संरक्षण पर चर्चा की। अधिराज यहां से अब लेह लद्दाख जा रहा है, जहां से जम्मू कश्मीर से पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए जमशेद। अधिराज ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान वह राष्ट्रीय एकीकरण, विश्व शांति व पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का संदेश दे रहा है। लोगों से अधिक पेड़ पौधे लगाने और उन्हें भविष्य के लिए बचाने का आह्वान कर रहा अधिराज का मानना है कि अगर आपने कभी कोई पेड़ पौधा नहीं काटा तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पौधे लगाएंगे भी नहीं। यदि भविष्य सुरक्षित रखना है तो हर नागरिक को इसे अपना नैतिक कर्तव्य मानना होगा। जी, मेरा नाम है अधिराज बरुआ, मैं जमशेदपुर झारखंड से निकला हूँ ऑल इंडिया टूर पे अपने साइकिल पे। मेरा क्वालिफिकेशन है बीएससी डिग्री इंटीरियर डिजाइनिंग और मैं अभी तकरीबन 1.5 साल का मेरा ये ट्रिप है, जो कि मैं 1 अक्टूबर को स्टार्ट किया था, 1 मार्च 2023 को मैं ख़त्म करूँगा। कितनी स्टेट का आपका? मैंने अभी तक मैंने तकरीबन 15 स्टेट्स क्रॉस कर लिया है। टोटल 29 स्टेट जाना है। कहाँ से आपने अपनी यात्रा जो शुरू की थी और कहाँ पर आप ख़त्म करें? जमशेदपुर में मैंने स्टार्ट किया था, पहले साउथ गया, उसके बाद अभी नॉर्थ आया हूँ, फिर नॉर्थ से ईस्ट जाऊँगा, नॉर्थ ईस्ट जाऊँगा, फिर वापस जमशेदपुर में ही वापस आऊँगा। कभी कभी जैसे गांव में जब जाते थे, कोई भी स्टेट के गांव, तो उस स्टेट के भाषा के अलावा उनसे कुछ होता नहीं था, बस उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर होता था। नहीं तो सिटीज़ एरिया में तो नॉर्मली इंग्लिश, जैसे साउथ एरिया में इंग्लिश में चल जाता था, बाकी जब साउथ से ऊपर गया तो हिंदी वगैरह में काम चल जाता था। संदेश क्या लेकर चलोगे? मेरा जो संदेश है वो नेशनल इंटीग्रेशन, वर्ल्ड पीस और अगेंस्ट फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल। आजकल के यूथ में एंजॉयमेंट चले ठीक है, होता है, लेकिन एंथुसियाज्म नहीं है। उस एंथुसियाज्म को बिल्डअप करने के लिए भी एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मेरे इस राइड से भी मिलेगा सबको, क्योंकि आजकल के लोग मैं देखता हूँ, क्योंकि हमारे से मेरा उम्र है 27 साल और इस मेरे से भी आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय भगत सिंह। जो भगत सिंह 23 साल की उम्र में इतना एंथुसियास्ट हो सकते हैं, तो हमारे आजकल के नौजवान क्यों नहीं हो सकते? तो हमें उस ऐसा नहीं है कि हमें आज़ादी के लिए ऐसा कुछ नारे या पॉलिटिक्स में ही जाना चाहिए, एंथुसियाज्म लाना चाहिए कोई भी वर्क के अंडर में। मुझे रोटरी क्लब सब जगह सपोर्ट करती है। जी, मैं यहाँ से धर्मशाला होके मनाली होके आगे जाऊँगा, वहाँ पर भी मैं रोटरी क्लब से कॉन्टैक्ट करके आगे कॉन्टैक्ट लेते लेते आगे बढ़ता जाऊँगा। रोटरी क्लब शाहपुर के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार के नवयुवक जो हैं, जो एक देश की अखंडता के लिए और देश के इकट्ठा करने के लिए, जो इतनी दूर से जमशेदपुर से यहाँ पर हिमाचल में पहुँचे हैं, और स्पेशली रोटरी क्लब शाहपुर के साथ इन्होंने हमारे जो डिप्टी, जो जिला के, जो हमारे रोटरी के जो सेक्रेटरी हैं इंटरसिटी के, उनके साथ इन्होंने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे आ रहा हूँ वहाँ से, तो आपसे मिलना चाहता हूँ। तो रोटरी क्लब शाहपुर ने आज, जैसे हम बिजी थे यहाँ पर, क्योंकि एक हमारा एक ट्री प्लांटेशन था वहाँ पर, ये मैसेज मिला, तो हम जल्दबाजी में यहाँ पर आए हैं। कुछ रोटेरियन हमारे वहाँ पर काम भी कर रहे थे, तो हमारा सौभाग्य है कि हम मिस्टर बरुआ से यहाँ पर मिले, जो कि एक यंग हैं, 27 साल के नवयुवक हैं, और जिस ढंग से इन्होंने हमें ये बताया कि मैं यहाँ से लद्दाख में जाऊँगा, लद्दाख के बाद श्रीनगर में जाऊँगा, तो ये एक बड़ा अच्छा संदेश है
कि ये नौजवानों के अंदर, आजकल की पीढ़ी के नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि ये आगे भारत के बारे में सोच रहे हैं। और बरुआ के लिए जो रोटरी क्लब शाहपुर जो स्पेशल इनके रहने के लिए, इनके ठहरने के लिए और इनको खाने पीने के लिए जो भी ये चाहेंगे वैसा हमने इनको होटल गोपाल में इनका इंतज़ाम किया है। साथ में द्रोणाचार्य कॉलेज ने जिस ढंग से इनका भव्य स्वागत किया हमें बहुत खुशी हुई। रोटरी क्लब शाहपुर के हमारे सदस्य कन्हैया चौहान जी, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी सत्येंद्र गौतम जी हैं, हमारे आईपीपी प्रेसिडेंट जो हैं डोगरा जी हैं, और हमारे जो सर्वोपरि जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जो हैं इंटरसिटी के गंधर्व पठानिया जी हैं, इन्होंने सभी ने मिलकर मिस्टर बरुआ का यहाँ पर बहुत स्वागत किया। और हम चाहते हैं कि ये और देश के बारे में सोचें और एक अच्छा मैसेज दें पूरे भारतवर्ष को कि जिस ढंग से हमारे जो नवयुवक हैं जल्दी हिस्सा नहीं रहे हैं इन चीज़ों में, हम चाहते हैं कि ये जो मैसेज है पूरे भारतवर्ष में जाए बरुआ जी। और हम चाहते हैं हमारी ओर से, रोटरी क्लब शाहपुर की ओर से, ये आपको शुभकामनाएँ हैं कि आपका जो यात्रा है ये मंगलमय हो और पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करने के बाद आप एक अच्छा मैसेज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को दें। धन्यवाद।